वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? एवरीबडी फाइन? आई एम रुचि गुप्ता, योर EVS टीचर. बेटा, वी विल रीड लेसन 1 and 2 एंड वी विल टेक टेस्ट ऑल्सो. सो टुडे वी रीड लेसन 3, वी कैन सेंस. What's the mean of weak and sense? Anybody told me? And how many sense organ we have? We have 5 sense organ. How many sense organ? 5. Eyes, ears. Then nose, tongue and skin. We read eyes and nose. Eyes help us to see all around us and ears help us to hear. Which sound we hear? Next, nose. Nose kya work karti hai? Our nose helps us to smell. It has 2 opening called the nostrils. Nose hamari help karti hai smell lene ke, sungne ke. Aur ye, iske andar hamare 2 nostrils hote hain khule hue. Which help us to breathe, जो कि हमें help करते हैं breathe लेने में, मतलब सांस लेने में हमें help करते हैं वो. Our nose can detect a variety of outdoor smells. When we smell a rose, the smell enters our nostril. Smell कहाँ से आती है? हमारी nostril में से. The nose sends a message to our brain telling it that this is the smell of a rose. Our brain tells us that it is a good smell. देखिए बेटा, नोज क्या होती है? हेल्प करती है हमारी स्मेल करने की. और ये कनेक्ट होती है, इसका लिंक कहाँ से होता है? ब्रेन से. ब्रेन हमें बताता है नोज को कि ये अच्छी खुशबू है, गंदी खुशबू है, कैसी स्मेल आ रही है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है, ये ब्रेन बताता है नोज को. और फिर वो हमें पता चलता है कि ये किस तरह की स्मेल है. ये होते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स. ये 2 छेद होते हैं, 2 होल्स होते हैं हमारे नोज में. इन्हें हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स. व्हाट? नोस्ट्रिल्स. NOSTRILS, नोस्ट्रिल्स. क्लियर? तो दिस वन इज़ नोस्ट्रिल एंड दिस वन इज़ नोज. टंग. आपकी टंग होती है बेटा, टंग में 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है टंग. देखिए, इधर आता है स्वीट. यहाँ आपको स्वीट चीज़ें नज़र आती हैं, वो टेस्ट आती हैं. इधर आपको सॉल्टी चीज़ें, इधर सॉर और इधर बिटर. इधर क्या आता है? बिटर. द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट. इट हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, शॉ, सॉल्टी एंड बिटर. द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. टंग हमारी बोलने में भी हेल्प करती है. टंग हमें टेस्ट बताती है. टंग की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि ये स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या फिर ये बिटर है. तो कौन हेल्प करता है हमें इन सब चीज़ों के लिए? टंग. तो टंग में जो अब ये वाला पार्ट है, ये हमें स्वीट के बारे में बताता है. देन ये वाला पार्ट हमें सॉल्टी चीज़ों का टेस्ट कराता है. ये वाला पार्ट हमें सॉर चीज़ों का, और ये बिटर का, कड़वे का. क्लियर? अब है स्किन. व्हाट? स्किन. द स्किन हेल्प्स अस टू फील सेंसेशन लाइक हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्टिकी. आर होल बॉडी इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्किन. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. क्या होता है? स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है. पहली बात तो स्किन से हमारी फुल बॉडी कवर्ड रहती है. हमारी पूरी बॉडी पर स्किन कवर्ड होती है. और ये बहुत सेंसेशन होती है. इससे हमें पता चल जाता है, जैसे हमारी स्किन किसी चीज़ को टच करती है तो हमें पता चल जाता है ये हॉट है, ये तो कोल्ड है, ये तो बहुत रफ है, स्मूथ है, हार्ड है,
सॉफ्ट है या स्टिकी है, ये सब चीज़ किससे पता लगती है? हमारी स्किन हेल्प करती है हमें ये सब चीज़ बताने में, और हमारी स्किन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है। हमारी स्किन, अब आप कहेंगे बॉडी के टेम्परेचर को, हाँ मैम कैसे, स्किन कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करेगी? स्किन मेंटेन करती है द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीने। पसीनों के थ्रू, जब हमारे पसीने आते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ओके, सो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, नोज हेल्प अस टू स्मेल, टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्किन हेल्प अस टू फील कि मम्मा ने पिट्टी की है या प्यार किया है। ये कौन बताता है हमें? हमारी स्किन। ओके, अब हमें कुछ वर्क करना है। जो हमारा वर्क है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर डेट, देन यू मेंशन क्लास वर्क, देन लेसन थर्ड, एंड लेसन थर्ड वी कैन सेंस। फिर आप राइट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इज, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में? स्किन। आप देखिए पूरी बॉडी को कवर्ड करके रखता है स्किन, तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। ईच ऑफ आर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, एंड हमारी पूरी बॉडी पार्ट के जो होती है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स। विच वन इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन? एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं जो ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे ईयर, ब्रेन या हर्ट। ब्रेन हमें दिखता है? नहीं। हर्ट हमें दिखता है? नहीं। ईयर हमें दिखते हैं। विच वन इज एन इंटरनल ऑर्गन, मतलब इंटरनल, अंदर की तरफ। कौन से होते हैं? लैग्स, लंग्स, हैंड्स। कौन से होते हैं? लैग्स हमें दिखते हैं, हैंड्स हमें दिखते हैं, बट लंग्स हमें नहीं दिखते। तो ये कौन से ऑर्गन है? इंटरनल। वी यूज आर टीथ टू, हम हमारे टीथ को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टेस्ट करने के लिए, स्मेल के लिए या बाइट करने के लिए? बट नेचुरली हम बाइट करते हैं, चबा चबा के खाना खाते हैं। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी एंड डू योर वर्क। ओके।